दोस्तों नमस्कार। एक छोटे से वायरस ने पूरे संसार में तहलका मचा रखा है। नवंबर से सिलसिला शुरू हुआ था, जुलाई खत्म हो चुका। हालात ये है कि बड़े शहरों में तो अच्छे डॉक्टर्स की व्यवस्था है, अस्पताल है, देखरेख के उपाय हैं, लेबोरेटरीज हैं। छोटे शहरों में इन चीजों का पूर्णतया अभाव है और ये पूरे विश्व में और खासतौर पर हिंदुस्तान में महसूस किया जा रहा है कि हमें डॉक्टर्स की संख्या में इजाफा करना पड़ेगा। कौन करेगा ये? सरकार, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, शिक्षा मंत्रालय, राज्य सरकारें? लेकिन इनकी कार्यशैली पर अगर आप गौर करें तो आप बहुत विचलित हो जाएंगे। 2016-17 में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के अनुसार 7 अक्टूबर 2016 तारीख तय की गई, इस डेट तक एमबीबीएस के एडमिशंस की सारी प्रक्रिया संपन्न हो जाए। जो एनआरआई कोटे की सीटें थी, साधारण सीटें थी, सबके बारे में फैसले कर दिए गए और ये तय पाया गया कि 7 अक्टूबर तक सारा एडमिशन प्रोसेस खत्म हो जाए और जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है, जिन कॉलेजों में एडमिशन हुआ है, वो सारा लिस्टें मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को भेज दी जाएं और ये सारे एडमिशन नीट एग्जाम के तहत लिए जाए। देश भर के विभिन्न कॉलेजों में जो मेडिकल की सीटें खाली थी, आनंद फानंद में उसमें प्रक्रिया शुरू हुई और जगह जगह बच्चों ने अपनी योग्यता के आधार पे, नीट के रिजल्ट के आधार पे मेडिकल में एडमिशन लिया और अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। उन विद्यार्थियों को यह नहीं मालूम था कि एक साल बाद उनके ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूटने वाला है। मध्य प्रदेश के एक मेडिकल कॉलेज के छात्रों को कहा गया कि आपका प्रवेश रद्द कर दिया गया है, आपके एग्जाम भी नहीं होंगे क्योंकि आपके कॉलेज ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को तय समय सीमा के अंदर लिस्ट नहीं भेजी। छात्र हैरान परेशान हुए, उन्होंने आरटीआई लगाई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को कि क्या कॉलेज अगर समय पर लिस्ट ना भेजे तो हमारा एडमिशन रद्द किया जा सकता है, और उनको लिस्ट कब भेजी गई। उसके विचित्र परिणाम सामने आए। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा कि इस आधार पर उनका एडमिशन रद्द नहीं होगा कि अगर कॉलेज ने लिस्ट भेजने में कोई कोताही की। और दूसरा विचित्र जवाब यह सामने आया कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को समय सीमा के अंदर कॉलेज से लिस्ट प्राप्त हो गई। उसके बावजूद उन बच्चों की फाइनल एग्जाम्स भी रोक दिए गए और 2016-17 से अब 2020-21 का नया सेशन शुरू होने वाला है। 4-5 साल से मेडिकल के छात्र कोर्ट कचहरियों के धक्के खा रहे हैं। मामला हाईकोर्ट में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि हाईकोर्ट में ही आपके मामले की सुनवाई होगी। सारे तथ्य सुप्रीम हाईकोर्ट में उन्होंने पेश किए, हाईकोर्ट ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को आदेश जारी करा कि आप सारे तथ्य कोर्ट के सामने रखें। तारीख पे तारीख बढ़ती गई और अब कोरोना वायरस की वजह से अदालतों का कामकाज ठप है और इन बच्चों का भविष्य ठप है।
प्रिया गुप्ता, जिसने सन 2016-17 में साक्षी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था ऑन टाइम विद क्वालिफाइड डॉक्यूमेंट्स इन 15% कोटा। वन ईयर का स्टडी किया, यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट किया, यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स भी दिए, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ बिकॉज MCA ने उस रिजल्ट को होल्ड पे कर दिया था। बाद में पता चलता है कि हमारा एडमिशन कैंसल्ड है बाय MCAI एंड द रीजन इज दैट कि वी आर नॉट सबमिटिंग आवर लिस्ट ऑन टाइम इन MCAI। और बाद में हमने RTI के थ्रू ये पता किया, तो RTI में MCAI DME दोनों ही ये कहते हैं कि हमारी लिस्ट उनके पास ऑन टाइम सबमिटेड है। प्लस दूसरी बात ये कि एक RTI में MCAI खुद ये चीज बोलती है कि वो लिस्ट के बेसिस पर किसी भी स्टूडेंट का एडमिशन कैंसिल नहीं कर सकते हैं। सिर्फ दो ही क्राइटेरियाज होते हैं एडमिशन को स्टूडेंट का डिस्चार्ज करने के, वो ये है कि वो नीट क्वालिफाइड नहीं है, दूसरा ये कि वो इनटेक कैपेसिटी से ज्यादा है, जो कि हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। वी आर नीट क्वालिफाइड एंड वी आर इन विद इन आवर इनटेक कैपेसिटी। नमस्कार, मैं कोमल लाकड़ा वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर हरियाणा के MBBS स्टूडेंट हूँ। 2016 में हमारे इस कॉलेज में एडमिशन हुआ, जिसके बाद MCAI जो हर साल इंस्पेक्शन करती है उसमें ग्रॉस डेफिशिएंसीज पाने की वजह से इसकी परमिशन हर साल कैंसिल होती गई। तो रूल्स के हिसाब से हमारी शिफ्टिंग दूसरे कॉलेजेस में हो जानी चाहिए थी, जिससे कि हम अपने एजुकेशन कंटिन्यू कर सकें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हमने अपना प्रोटेस्ट जारी किया। हमने स्टेट गवर्नमेंट को, हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को हर जगह अपील की, लेकिन अब तक हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई है। हमारे पिछले 7 महीने से एक फाइल मिनिस्ट्री में अटकी हुई है, जिसपे सिर्फ एक सिग्नेचर की देरी है, जिससे कि हमारा फ्यूचर सुधर सके, लेकिन हमारा एक साल इस डिले के चलते ऑलरेडी ख़राब हो चुका है और आगे और समय बर्बाद ना हो, इसलिए डॉक्टर हर्षवर्धन जी से रिक्वेस्ट है कि जो हमारी समस्या है उसका समाधान किया जाए, ताकि हम इस देश की सेवा कर सकें। धन्यवाद। इसी तरीके का मामला हरियाणा के कॉलेज का भी आया सामने, वहीं छात्रों की संख्या और भी ज्यादा थी। उस कॉलेज की मान्यता मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने रद्द कर दी, छात्र जो पढ़ना के लिए समय लगाते वो धरना प्रदर्शन में समय लगा रहे हैं। उन्होंने दिल्ली में धरने प्रदर्शन किए, हरियाणा में धरने प्रदर्शन किए, जो बच्चे पिछले 4 साल में अपनी तकरीबन 3/4 पढ़ाई मेडिकल की पूरी कर लेते और 1-2 साल में डॉक्टर्स बन के हजारों लोगों की सेवा करते, वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की लापरवाही कहें या कॉलेज की लापरवाही कहें या शिक्षा मंत्रालय की लापरवाही कहें, जिसकी भी लापरवाही आप माने, उनकी वजह से कोर्ट कचहरियों के धक्के खा रहे हैं, सड़कों पे धक्के खा रहे हैं। इस वीडियो के साथ मैं उन छात्रों ने अपनी जुबानी जो कहा है, वो छोटे छोटे वीडियोस इसके साथ मैं जोड़ रहा हूं, आप उनकी बात सुने। मेरा नाम प्रेरणा है और मैं दीपांशु एक असहाय प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज झज्जर हरियाणा। हमारे देश में मेडिकल की पढ़ाई करना एक बड़े बड़े ख्वाब जैसा है, पर एक ख्वाब को पूरा करना इतना आसान नहीं है। काफी मेहनत और परिश्रम के बाद मिलता है ये मौका, ऊपर से इसकी भारी भरकम फीस वह अलग। हम भी निकले थे 2016 अपने ख्वाबों को पूरा करने, लेकिन कॉलेज की लापरवाही और असुविधाओं के चलते MCAI ने इस कॉलेज की मान्यता को रद्द कर दिया, और इन सब के बीच में हम 148 बच्चे इस कॉलेज में फंस गए। गलती कॉलेज की, पर भुगते हम क्यों? मोटी फीस लेकर कॉलेज जेबें भरे, लेकिन भुगते हम क्यों? कॉलेज में एडमिन फर्जीवाड़ा करे, पर फिर भी भुगते आखिर हम हो? करना तो इन्हें कॉलेज शिफ्टिंग था, ताकि बच्चों का भविष्य बर्बाद ना हो, पर नहीं, हमने अलग अलग फॉर्म यूनिवर्सिटी, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, मुख्यमंत्री हरियाणा, हेल्थ मिनिस्ट्री हरियाणा, हेल्थ मिनिस्ट्री इंडिया, MCAI, अन्य में जाकर अपनी बात पहुंचाई। भूख हड़ताल, धरना प्रदर्शन किया और भी न जाने क्या किया, पर आखिर में हुआ वही लाल फीता शाही। माई ड्रीम्स आर डाइंग,
डोंट किल माय पैशन, प्लीज फील माय पेन, प्लीज प्लीज हेल्प अस। हमें आप सबके सहयोग की बहुत ज्यादा जरूरत है, हमारी ये आवाज उठाए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करें, ट्वीट करें और जिम्मेदार लोगों को टैग करें ताकि हमारी आवाज उन कानों तक पहुंचे और हमें हमारा हक मिले। जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। सावधान इंडिया, कहीं आपके बच्चे भी अगले अभिमन्यु ना बन जाएं, कहीं आपके बच्चे भी अगले अभिमन्यु ना बन। जो मध्य प्रदेश के बच्चे हैं उनकी बात भी सुने, जो हरियाणा के बच्चे हैं उनकी बात भी सुने। ये मेधावी बच्चे जिन्होंने नीट का एग्जाम क्लियर किया है, जय भारत जय हिंद का नारा लगा रहे हैं और आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की लापरवाही या कॉलेज की लापरवाही का खमियाजा ये बच्चे क्यों भुगते हैं। ये डॉक्टर बनने आए थे, नीट का एग्जाम दिया, आपकी सेवा की भावना अपने दिल में रखते हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन है इनकी बात सुने, जो भी तथ्य हैं बड़े अधिकारी उसको देखें। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में किसी ने गड़बड़ी की है तो उस दोषी अधिकारी के खिलाफ जांच हो। इन मेधावी छात्रों का भविष्य खराब ना हो। इनका भविष्य खराब होने का मतलब जिन हजारों पेशेंट्स को, जिन हजारों मरीजों को ये बच्चे भविष्य में देख पाते, उन मरीजों को इनकी देखभाल से आप वंचित कर रहे हैं। इनकी बात सुने, इनका वीडियो देखें, इन्होंने जो अपने शब्दों में अपना दुख बयान किया उसको देखें। नमस्कार।